नमस्ते, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी स्नो मून फॉर यू. वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज़ कीप डांसिंग विद शिल्पा शर्मा. एंड अगेन आई एम हियर विद न्यू ब्लॉग. सो रिसेंटली मैं गई थी एक नए कॉलेज व्हिच इज़ GCTE धर्मशाला. सो मैं क्यों गई थी ये आपको ब्लॉग में पता चलेगा. और एक गड़बड़ हो गई है. मैं इतना बिज़ी थी और मैं इतना थक रही थी उस दिन कि जो मेन क्लिप्स बनानी थी वो बना ही नहीं पाई हूँ. बस मेरे बोलने की ही क्लिप्स है. छोटा सा व्लॉग है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा. लेट्स वॉच इट. हेलो एवरीबॉडी. सो इस दिन इतनी ज़्यादा धूप थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. सो लिटरली फर्स्ट वीडियो तो मेरी ऐसी इतनी बेकार बनी है. और ये रही मेरी फेक्स स्माइल. सो यहाँ पे मैं वेट करने लगी थी बस का, जो कि लेट हो चुकी थी. और फिर मैं वेट करती रही. और आखिरकार एक जन्म के बाद बस आ गई. ये है फेमस रोड बत्ती मिल, जहाँ से आप बस लेते हो एक पठानकोट साइड के लिए और एक ये शाहपुर कांगड़ा धर्मशाला के लिए. तो मैं धर्मशाला पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं सीधा जा रही हूँ GCTE कॉलेज धर्मशाला, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला. सो नाउ आई एम गोइंग टू वर्ड्स माई कॉलेज, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, जो कि मैं अभी अभी फ़ोटो कॉपी करवा के लाई. तो ये रोड जो अब आप देख रहे हो, ये जाता है डिग्री कॉलेज धर्मशाला के लिए, बीएड कॉलेज के लिए और स्टेडियम के लिए भी, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी. गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं, क्या माजरा है. तो माजरा करते करते मैं अपने कॉलेज पहुंच चुकी हूँ. आइए देखते हैं. सो गाइस, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है हमारा कॉलेज. और अभी हमें अंदर जाना अलाउ नहीं था, तो बाहर से ही सब कुछ बता रही हूँ. ये है मेन एंट्रेंस, मेन गेट, जहाँ से आप एंटर होते हो और सीधा आपको फैकल्टी रूम सामने देखने को मिलता है. सो फाइनली आई एम हियर फॉर बीएड. फाइनली इतने टाइम के बाद जाके काम हो गया कंप्लीट. थोड़ा सा बचा है, वेट करने को बोला है, देखते हैं. अब मेरी एंट्री के बिना ब्लॉग कैसे कंप्लीट हो सकता है. तो गाइज, मेरी यहाँ पे एक क्लासमेट मुझे मिल गई है, मतलब कि ये मेरी क्लासमेट होंगी बीएड में, मिस अनीता. ये है बरोड से, बहुत ही खूबसूरत जगह से है, कभी आइएगा आप लोग. और बस बाकी बहुत भूख लगी है, बाद में बात करते हैं. फाइनली एडमिशन कंप्लीट हो गई और अभी मैं वापस जा रही हूँ. बहुत थक गई हूँ गाइस, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था. हाँ, बस सुबह के खाने के बाद कुछ भी नहीं खाया है. बस यूं ही लहराते गुनगुनाते मैं निकल पड़ी भोजन की तलाश में, जो कि मिल नहीं रहा था. संडे को नहीं जा रही मैं घर, नहीं जाऊंगी मैं घर. क्या करूं मैं, कोई शॉप खुली नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो नाउ आई एम गोइंग टू वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस. हाँ, अभी याद आया, मेल्टेड चीज. सो मेल्टेड चीज़ कैंसिल, टपरी पे जाते हैं. सो एवरीथिंग इज़ जस्ट फाइन. अभी मैं बस वापस जा रही हूँ, सब काम हो गया है, अभी सिर्फ घर जाना है. अभी जल्दी जल्दी घर जाना है, अभी मुझे सो जाना है बस. सो दिस वॉज इट गाइज, इतना सा ही था. अभी मैं धीरे धीरे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी. एक्चुअली क्या होता है, जब भी मुझे कुछ बनाना होता है, मैं ऑलरेडी इतनी थक चुकी होती हूँ कि फिर मैं सोच ही नहीं पाती मैं क्या करूँ, कैसे करूँ. सो इट्स जस्ट दैट. ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. आई होप आप सभी को पसंद आया हो. प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर. थैंक यू, बाय. सॉरी फॉर बोरिंग वीडियोज़, बट हर बार ऐसा नहीं होने वाला है, तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम एंटरटेन करूँगी. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू रियली रियली लाइक्ड इट. एंड इफ़ यू लाइक इट, सो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.
एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा लगातार वीडियोस डालने वाली हूँ, व्लॉग्स स्पेशली. इफ़ एनीबडी वांट्स टू नो एनीथिंग अबाउट एडमिशन प्रोसेस और एनीथिंग अबाउट हॉस्टल, यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन कमेंट मी. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. कीप डांसिंग विद शिल्पा. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.